गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वाइल क्लोजिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 मार्च 2017, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी हैज़ इट्स एडवांस क्लासिफाइड एज फॉलोज। स्टैंडर्ड एसेट्स दे रखी हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स दे रखी हैं, सिक्योर्ड डाउटफुल दे रखे हैं, अनसिक्योर्ड डाउटफुल दे रखे हैं, लॉस एसेट दे रखें। सो कैलकुलेट द प्रोविजन विच मस्ट बी मेड अगेंस्ट एडवांसेज एज पर NBFC non systematically important deposit taking company reserve bank guidelines 2016 and NBFC systematically important companies। ठीक है, तो दोनों के हिसाब से हमें बनाना है। चलिए समझाते हैं कैसे होगा। प्रोविजन के परसेंटेज अलग है, बाकी तो सेम ही है। सो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन ऑन एडवांसेस एज ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है जी, यहां लिखेंगे हम पर्टिकुलर और यहां पर अमाउंट। अब यहां से हम इनको बांट देंगे, ये हो गया हमारा NBFC नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिटिंग कंपनी, और ये हो गया हमारा NBFC सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट। पहला नॉन सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो गया, दूसरा सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो गया। चलिए तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड एसेट्स हमारी 16,800 है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स 1340 की है, डाउटफुल में जो सिक्योर्ड होता है वो एसेट्स अप टू 1 ईयर ये हमारी 320 की है, फिर 1 ईयर से 3 ईयर तक ये 90 की है, और मोर देन 3 ईयर्स ये हमारी 30 की। फोर्थ हो जाएगा हमारा डाउटफुल जो अनसिक्योर्ड है वो हमारे 97 के हैं, और फिफ्थ हमारा है लॉस एसेट्स। ठीक है, और इसके बेसिस पर हमारे प्रोविजन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोविजन का परसेंटेज और यहाँ आएगी हमारी प्रोविजन अमाउंट। प्रोविजन का परसेंटेज एंड प्रोविजन अमाउंट, ठीक है जी। चलिए सो अगर ये नॉन सिस्टमेटिकली डिपॉजिट कंपनी है तो इसमें है 0.25%, और अगर ये सिस्टमेटिकली डिपॉजिट है तो ये 0.35% है। इसमें 10 है, इसमें 20, इसमें 30, इसमें 50, इसमें 100, और ये आपकी लॉस एसेट्स टोटल 48 की हैं जिस पर आपको 100% प्रोविजन बनाना है। बैंकिंग के जो हमने किए थे क्वेश्चंस ये वही वाले हैं। ठीक है जी, तो प्रोविजन अमाउंट कर लें, सिर्फ आपका स्टैंडर्ड में बदल जाएगा, बाकी किसी में नहीं बदलेगा। सो दिस विल बी हाउ मच,
42, this will be 134, 64, 27, 15, 97, 48, 427. This will be 58.8, 134, 64, 27, 15, 97, 48, 443.8. तो आपने देखा कि सिर्फ एक स्टैंडर्ड के प्रोविज़न बदल जाते हैं, बाकी कोई प्रोविज़न चेंज नहीं होते। चलिए फ्रेंड्स, आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।